वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल विस्तास बुक क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश से चैप्टर नंबर थ्री है जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो so दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे क्वेश्चन नंबर वन देखिए नेम द प्रोग्राम विच एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कहा ले गया था एंड ऑफ द वर्ल्ड पे वो था जेफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्किका जर्नी टू अंटार्कटिका का क्या एम है टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टूवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज जो छोटे बच्चे हैं वो अभी से क्लाइमेट चेंज को समझने की कोशिश करें द लेसन जर्नी टू द अर्थ रिवॉल्व अराउंड किसके अराउंड रिवॉल्व करती है वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्क्टिका नेक्स्ट द स्टडी ऑफ आर पास्ट इज पॉसिबल इन अंटार्क्टिका थ्रू हमारा जो पास्ट है उसकी स्टडी पॉसिबल है अंटार्क्टिका में किसके थ्रू हाफ मिलियन ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स वहां मिलेंगे कॉर्डिलेरन फोल्ड्स वहां मिलेंगे प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स वहां मिलेंगे सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट वेन डू यू नो दैट थ्रेट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल कब आपको पता चलता है जो ग्लोबल वार्मिंग वाला थ्रेट है खतरा है वो बिल्कुल रियल है वेन यू सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्स कलेपिंग जब आप ये देखते हो कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और आइस के जो बड़े बड़े सेल्स हैं वो कलेप्स हो रहे हैं नेक्स्ट एंड फॉर ह्यूम द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड दिस लाइन वी इसका मतलब है द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड इज नॉट प्रोमिसिंग जिस तरह से हम अपने एटमोसफियर को अपनी अर्थ को खराब कर रहे हैं ना उस तरह से हमारा ही फ्यूचर खतरे में पड़ेगा द ऑथर्स फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट के वॉल जब वो अंटार्कटिका में पहुंचा और फाइनली वहां पहुंच गया तो उसने राहत की सांस ली रिलीफ मिल गया उसको अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइबड ए बहुत ज्यादा कोल्डस्ट ड्राईएस्ट एंड विंडिएस्ट प्लेस नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू नो आर आर द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेयर शुड बी गो अगर हमें प्रेजेंट पास्यूचर के बारे में जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा अंटार्टिका कॉन्टेन्ट में जाके देखना होगा हाउ डज द जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प जियोग्राफिकल फिनोमिना हमारी कैसे हेल्प करती है कैसे हाउ स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़ी चीजें हो जाती हैं नेक्स्ट वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप जो वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कहां ट्रैप्ड है ऑन अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट नेक्स्ट वेयर डज 90 परसेंट ऑफ अर्थ टोटलाइज अर्थ की 90 परसेंट टोटलाइस कहां पर है अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस ऑफ अंटार्टिका अंटार्टिका की आइस की जो लेयर है उसमें रिकॉर्ड कितने साल पुराने हैं हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स वहां पे मिलते हैं वट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण है भाई हम पेड़ों को काट रहे हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीजिंग पॉल्यूशन सो राइट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज फाइटोप्लैक्टन फाइटोप्लैंगटन क्या होती है माइक्रोस्कोपिक ग्रासेज होती है ओशन वगैरह में मिलती है Why was the program Student on Ice a great success? जो प्रोग्राम था ये Student on Ice जिसमें बच्चों को एंटरटेन कराया गया था बहुत बड़ा सफल क्यों रहा? Because of the life-changing exposure to the youngsters, छोटे बच्चों को life changing experience वहाँ मिला। What were the writers feeling on reaching the continent? Continent पहुँचने पे writer की feeling क्या थी? Relief and amazement। What are the important indications of the future of humankind? ह्यूमैन काइंड के जो फ्यूचर uh, है वो कैसा रहेगा और किस चीज पे डिपेंड करता है मेल्टिंग ग्लेशियर पे डिप्लीटिंग ओजोन लेयर पे इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग पे सो ये सारे फैक्टर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अब वॉट तिशानी दोषी जो राइटर है उनको क्या चीज वंडर लगती है ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स बैक वर इंडिया एंड अंटार्क्टिका अपार्ट फ्रॉम द सेम लैंड इंडिया और अंटार्क्टिका एक ही लैंड मास होते थे कितने साल पहले थ्री हंड्रेड मिलियंस इंस अगो गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ऐसा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है सो आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे मैं तीन तक काउंट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना वन टू थ्री आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज अंटार्क्टिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट

जियोग्राफिकल मैनकाइंड कैसे हमें जियोग्राफिकल फिनोमिना हिस्ट्री पढ़ने में समझने में, की करता है? The of of What does the lesson revolve around? ये lesson किसके चारों तरफ घूमता है The world's most preserved place, Antarctica के इधर उधर वॉट वॉज Gondwana? ठीक है Gondwana ये एक एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट था वॉट कॉज अंटार्टिका टू फ्रीज किस वजह से अंटार्क्टिका में इतनी ठंड हो गई कि फ्रीज हो गया ऑफ अमेल गटिका इज बेस्ट टू स्टडी अगर आपको फ्यूचर समझना है पास्ट समझना और प्रेजेंट समझना है तो अंटार्क्टिका ही वो जगह है सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव वाई अंटार्क्टिका इज कॉल्ड द प्रिस्टीन प्लेस ऑन अर्थ प्रिस्टीन प्लेस क्यों कहा जाता है बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन ने यहाँ पेमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं करी बिकॉज इट होल्ड हाफ अन ईयर होगा डी बोथ ए एंड बी वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑथर इज वर्किंग विथ नेम क्या है स्टूडेंट्स ऑन आइस हुम डिड जॉब ग्रीन वॉन्ट टू इंक्लूड किस को ले जाना चाहते हैं वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कितने लोग टोटल गए थे 52. बहुत important question है बार -बार जाता कौन सा एनिमल देखा था क्रैब ईटर सील्स को देखा था जो क्रैब खाती है ना सील्स उनको डिड ऑर्थर एक्सपीरियंस वॉकिंग ऑन थेट ऑफ आइस क्या ऑथर ने एक्सपीरियंस किया थे पे चलना

दोषी द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ग्रेट सक्सेस क्यों रहा था बिकॉज ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे राइट right आंसर देंगे हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप इस ग्रुप में जो लोग वहां गए थे स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में कितने लोग थे टेन ट्वेल्व फिफ्टी टू या थ्री मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कॉमेंट में आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना मैं समझ जाऊंगा सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय